प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामले और देश के आर्थिक हालात को लेकर हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने गैर बीजेपी राज्य सरकारों को निशाने पर लिया। उन्होंने कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अंतर को गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, लेकिन इन राज्यों ने वैट कम नहीं किया। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने गैर बीजेपी राज्यों की सरकारों को महंगाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अब वैट कम करके राज्य सरकारों से नागरिकों को लाभ पहुंचाने की अपील की कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। पीएम मोदी के इन आरोपों से गैर बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों से भेदभाव कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र को जीएसटी का हिस्सा अब तक नहीं मिला है। ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि ये सच नहीं है कि राज्य सरकारों के कारण डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। यही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कही। झारखंड सरकार ने उल्टे पीएम बैठक को राजनीतिक बनाने का आरोप लगाया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत क्यों नहीं लाना चाहती? पूरे देश में डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर एक नीति क्यों नहीं बनाई जा रही? वहीं कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्यों से वैट घटाने की सलाह दी। आप बोल रहे झारखंड कर रहे, झारखंड से ज्यादा टैक्स तो बिहार में लगता है प्रधानमंत्री जी, वहां पे आप क्यों नहीं कम करवा देते? आप कह रहे हैं कि राजस्थान कम करे, राजस्थान से ज्यादा तो पेट्रोल पर टैक्स मध्य प्रदेश में लगता है प्रधानमंत्री जी। आपके मुख्यमंत्री क्या आपकी बात नहीं सुनते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनसे ज्यादा टैक्स लगता है मध्य प्रदेश में, उसको कम कराइए। झारखंड से ज्यादा टैक्स लगता है बिहार में, उसको कम करवाइए। बहरहाल पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई और अलर्ट रहने की सलाह दी। उन्होंने टीकाकरण के लिए अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई और स्कूली बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की सीख दी। ये अलग बात है कि जनता बढ़ती महंगाई के रोज लग रहे टीके से परेशान है, लेकिन इस पर खामोश मुल्क के हुक्मरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।